हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी सिंह और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम फॉरेक्स मार्केट और बाइनरी। और आप गैम्बलिंग करते हैं तो गैम्बलिंग भी इसको कवर कर लेता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम क्या जो है सोचते हैं और हम क्या पाना चाहते हैं। हम जो है सपनों में अभी हैं, जो बंदे न्यू हैं, जो 1 साल हुआ है, 5 महीने, 2 महीने, 1 महीने, वो सारे के सारे सपनों के अंदर होते हैं। वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं डेली का 50% और 100%, 1000%, ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो क्या इतना एक्सपेक्ट करना गलत है? तो मेरे हिसाब से तो जो है इसका एंड जो होने वाला है, इस चीज़ का जो एंड है वो है आपका अकाउंट वॉश। तो ये चीज़ जो है मैं करके देख चुका हूँ और आप में से मैक्सिमम लोग भी जो है यही थिंकिंग में होंगे कि वो जो है इससे 1000% कर सकते हैं या $100 डिपॉजिट करके $1,00,000 बना सकते हैं, $1 करोड़ बना सकते हैं। अगर आप भी इसी कैटेगरी में हैं तो प्लीज़ यार, आपको हो सकता है ये वीडियो पसंद आए बट एट दी एंड आपका अकाउंट वॉश होने वाला है। ये बात आप लिख के ले लीजिए, मैं अभी दे देता हूँ, बिकॉज मैं ये चीज़ें कर करके छोड़ चुका हूँ। और मैं अपना सीन बताऊँ तो जब मैं फॉरेक्स में एंटर हुआ तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था, मैंने 17 दिन के अंदर जो है 1500% का रिटर्न मारा था। उसके भी स्क्रीनशॉट्स अगर आप कहेंगे तो मैं शो कर दूँगा, बिकॉज मैं अपने पोर्टफोलियो को जो है सेव करता रहता था डे बाई डे कि यार। और उस टाइम पे भाई मेरे पैरों थले जो है ज़मीन खिसक गई थी कि भाई मेरे जैसे ट्रेडर तो कोई है ही नहीं। मैं आसमान में था, ज़मीन पे तो मैं था ही नहीं। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, आप 4-5 दिन जो है बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, उस टाइम पे तो ऐसा लगता है भाई मेरे जैसा कोई है नहीं, बट एट दी एंड क्या होता है? अकाउंट वॉश। तो उस टाइम पे समझ में नहीं आता यार ये हुआ क्या। तो उसके पीछे का रीज़न जो है वो है मनी मैनेजमेंट। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि उसके पीछे का रीज़न है मनी मैनेजमेंट। तो मनी मैनेजमेंट क्या है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। ये सब के सब जो मनी मैनेजमेंट है ये हाई रिस्क में आते हैं। तो अगर आप हाई रिस्क पे खेलना पसंद करते हैं तो आप रिटर्न्स ले सकते हैं, लेकिन कभी भी उस टाइम पे अगर आप हाई रिस्क वाले मनी मैनेजमेंट पे खेल रहे हैं तो आपके माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आपका अकाउंट कभी भी वॉश हो सकता है। इस चीज़ के लिए अगर आप रेडी हैं तो खेलिए, आपके पास फिर चाहे जितना मर्जी फंड है आप खेलिए, आपका अकाउंट वॉश हो सकता है, आप रेडी हैं उस चीज़ के लिए। अब बात कर लेते हैं कि यार हमें फिर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। चलो यार आपने ये तो बता दी, अब हम एक्सपेक्ट क्या करें फिर? तो मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप दिन का 1% कर रहे हैं ना, डेली का 1% भी अगर आप कर रहे हैं और 1 साल तक अगर आप 1% भी कर देते हैं तो वो 3500% हो जाता है। बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल के लिए आपका अकाउंट जो है 100 से 200 आपने कर लिया तो 200 के पास आने के बाद कंपाउंडिंग में वो जो है $200 का आप 1% करोगे तो इस तरीके से जो है वो साल के अंदर 3500% हो जाता है। तो अगर आप इतना रिटर्न मार सकते हैं, 1% भी बता रहा हूँ मैं, 1% भी जो है हाई रिस्क में आता है, आप डेली का 1% भी अर्न नहीं कर सकते। बिकॉज यार आप देखिए FD में आपको कितना मिलता है, साल का 8%। आप तो यार डेली का 1% की बात कर रहे हैं या मैं बात कर रहा हूँ। और तो हमें कितना करना चाहिए, पहले तो 1% अगर आप कर रहे हैं तो ये मान के चलिए 1% भी जो है हाई रिस्क में आ रहा है। तो अब यहाँ पर अगर आप 1% करना चाहते हो तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपका अकाउंट कभी भी वॉश हो सकता है और आप रेडी बैठे हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। चलिए इस बात को ख़त्म करते हैं कि आप रेडी बैठे हैं और आपने स्टार्ट कर दिया खेलना, अब आपका अकाउंट कभी भी वॉश हो सकता है। अब बात करते हैं फिर यार अब हम क्या करें। पहले तो इस जो ड्रीम वाली आपकी दुनिया है इससे बाहर निकलिए और मैं इसकी रियलिटी बताता हूँ। अगर आप साल का 50% भी कर लेते हैं, आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे साल का 50%, यार मैं तो डेली का 50-100% करने की बात कर रहा हूँ और ये पागल कहाँ जो है साल का 50% या 100% की बात कर रहा है। तो मेरी मान के चलिए अगर आप साल का 50 से 100% भी कर लेते हैं तो ये जो है आपसे बड़ा ट्रेडर मेरे ख्याल से दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, आप ये बात मान के चलिए, ठीक है। तो मंथली आप जो है 5 से 10% अपना रिजल्ट मान के चलिए, अगर आप इतना कर लेते हैं 5 से 10% तो आपसे बढ़िया ट्रेडर दुनिया में कोई नहीं है, इस बात को आप लिख के ले लीजिए। तो अब आपको फ्यूचर में क्या करना है, अगर आप खेलना चाहते हैं खेलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप डेली का 1%, 10%, 15-20% या 100% करना चाहते हैं डेली का, करिए। लेकिन आपको मनी मैनेजमेंट आपका याद है, आप जो है सपनों में नहीं जिएंगे कि भाई मेरा अकाउंट कभी वॉश नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आपको करना है करिए, लेकिन आपका अकाउंट जो है कभी भी वॉश हो सकता है। और रियलिटी क्या है, आपको जो है डेली का 5% इनफ है, सॉरी मंथली जो है 5% इनफ है, साल का जो है आप 50 से 100% करिए, ये जो है आपके लिए बहुत होगा।